हर जगह होगा विकास, आप दे हमारा साथ। नगर पंचायत बांसगांव से अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी अमरजीत सिंह। गोरखपुर महोत्सव में प्रतियोगिताओं के साथ ही सजेगी सुरों की शाम। 11 से 13 जनवरी तक होगा आयोजन। गोरखपुर में आजादी के नायकों की सूची में अब दिग्विजय नाथ, बाबा राघव दास व फिराक समेत 21 नाम। गोरखपुर में डेंगू के 5 नए मरीज मिले, कुल संख्या हुई 232। गोरखपुर जंक्शन पर लगाएं महायोगी गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा। गोरखपुर के उद्यमियों को है महंगी बाइक चलाने का शौक, फराटा भरकर दूर करते हैं तनाव। गोरखपुर में साइको टेस्ट फेल होने पर भी लोको पायलट मिल सकता है एक और मौका। देवरिया में धान की फसल कटाई करते समय हुआ हादसा, कंबाइन की चपेट में आने से 2 बालिकाओं की मौत। गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र में 100 मीटर लंबा पुल बनाएगा GDA, 11 से 17 मीटर होगा चौड़ा। पिता और 2 बहनों की आत्महत्या, मान्या वैज्ञानिक तो मानवी बनना चाहती थी पायलट, खुदकुशी से साथी भी हतप्रभ। 100 और दृष्टिहीनों के जीवन में फैलेगा शिक्षा का उजियारा, कक्षा 1 से 12वीं में हो सकेगा प्रवेश। धोखाधड़ी के आरोप में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी गिरफ्तार। पिपराइज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्ता प्रियंका नायक पत्नी संतोष कुमार निवासी ग्राम व पोस्ट इंद्रपुर थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर, हाल मुकाम LID 56 राप्ती नगर, पोस्ट आरोग्य मंदिर निकट हिमांशु गैस सर्विस चरगावा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। राहुल गांधी पर भड़के सावरकर के पोते, दर्ज कराई थाने में शिकायत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का आज 17 नवंबर गुरुवार 11वां दिन है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा अंग्रेजी सरकार को लिखी चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और उनसे कहा था, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। राहुल गांधी के इस बयान से सावरकर के पोते रणजीत सावरकर भड़क गए। उन्होंने राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी है। गोला नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई आयोजित। गोला गोरखपुर उपनगर गोला स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय पर पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा केवल विकास के नाम पर झूठ बोल रही है, लेकिन इनकी बातों को जनता भी समझ गई है। आने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जनता के आशीर्वाद से अच्छे मतों से विजय प्राप्त कर पार्टी का परचम लहराएगा और कहा कि पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण अपने पूरे मनोयोग से नगर पंचायत चुनाव में लगकर जनता के बीच पार्टी के विकास कार्यों को बताकर पार्टी के पक्ष में जीत का अपील करें। अभी नगर पंचायत चुनाव में आरक्षण की घोषणा नहीं हुई है। मधुमक्खियों के कोप से 22 वर्षीय राहुल की गई जान। ग्राम सभा भरोहिया में 22 वर्षीय राहुल शुक्ला की जान मधुमक्खियों के डंक से चली गई। बेसुध हाल में परिजन अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक मृत्यु हो जाना बताया। घटना ग्राम सभा भरोहिया का है, जहां राहुल शुक्ला पुत्र स्वर्गीय विशाल शुक्ला गांव के बाहर निकले, जहां मधुमक्खियां का झुंड उनके ऊपर टूट पड़ा, जिसमें बेहोश हो गए। सूचना मिलते ही परिजन इलाज के लिए ले गए, जहां चिकित्सक मृत घोषित कर दिए। लोगों ने कोरोना के बाद फीस वृद्धि को गलत ठहराया। बांसगांव तहसील मुख्यालय पर अधिवक्ता व आम जन से बातचीत किया गया, जिसमें लोगों ने बताया कि कोरोना के बाद फीस वृद्धि गलत है। लोगों को कोरोना के बाद अभी भी लोग उबर नहीं पाए हैं, उनकी स्थिति अभी भी सुधर नहीं पाई है, ऐसे में फीस बढ़ाना गलत है।
गार्जियन कोरोना के बाद बहुत से ऐसे व्यवसाय रहे, बहुत से ऐसे लोग रहे जो टूट चुके हैं, इसमें धीरे धीरे उभर रहे हैं। अगर उनको फिर से अगर इस तरह से बढ़ता रहेगा तो वो उनको बहुत ज़्यादा भार होगा, वो काफ़ी जो है दुखी रहेंगे। इस नाते उसको अचानक इस तरह से नहीं बढ़ाना चाहिए, उनको समय से थोड़ा कैफिंग करना चाहिए, कम से कम 2-4 साल अभी तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर नियमतः पूछा जाए तो कम करने के बजाय लोग ज़्यादा कर दे रहे हैं, तो बढ़ाना नहीं चाहिए, उसको भी कम रहना ही चाहिए पड़ेगा। और चूंकि जो है आर्थिक रूप से जो है सभी लोग जो है कोरोना में जो है उसी तरह से टूट चुके हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए जो है यह फीस जो है बढ़ाया जाना जो है इन लोगों के लिए जो है या सभी लोगों के लिए जो है नुकसानदेह है, और इस फीस को जो है कम किया जाना चाहिए। जो फीस बढ़ रही है इसका तो दिक्कत बहुत है, महंगाई जो चरम सीमा पर लोगों का बहुत दिक्कत, पढ़ाने लिखाई में बच्चों तो दिक्कत, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई जब फीस इतनी महंगी है तो गरीब तबके के लोग कहाँ से दे पाएंगे, उन लोगों की परेशानी जो है। कछार क्षेत्र में घुसकर किसान पानी हटाने में जुट गए। बांस गांव तहसील मुख्यालय के अंतर्गत किसानों ने कछार क्षेत्र में पहुंचकर पानी हटवाना खुद शुरू किया। इससे पूर्व किसानों ने भारी संख्या में पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा था और ज्ञापन में बताया था कि मछुआरों द्वारा पानी रोक लिया गया है जिससे बुआई नहीं हो पा रही है। ऐसे में तहसील प्रशासन द्वारा कार्रवाई न होने से किसान पहुंचे तथा क्षेत्र में और अपने पानी हटवाने का प्रयास शुरू कर दिया है। अनुष्का को थ्रोबॉल में गोल्ड मेडल जीतने पर सांसद रवि किशन ने किया सम्मानित। गोला गोरखपुर गोला तहसील क्षेत्र के डेरवा गांव की मूल निवासी ओम प्रकाश सिंह की पुत्री अनुष्का ने प्रदेश स्तरीय नेशनल थ्रोबॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। फिल्म में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर हेलो इंडिया SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए अनुष्का का हुआ चयन। खेल जगत की इस जीत पर गुरुवार को गोरखपुर सांसद व भोजपुरी सिनेस्टार रवि किशन ने एनेक्सी भवन पर बुलाकर अनुष्का को सम्मानित करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बता दें कि सेंट एंड्रयूज स्कूल गोरखपुर की कक्षा 8 की छात्रा अनुष्का ने पुणे में 8-10 नवम्बर को नेशनल थ्रो बॉल में यूपी का प्रतिनिधित्व किया था। बाहर से जास्तर आने तो मजबूर है मरीज, बांस गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत भी अजीबो गरीब है। यहाँ पर पैथोलॉजी भवन तो है, विभाग भी है, मशीनें भी हैं, परंतु हमेशा बंद रहती है। या तो बाहर तक जांच लिखा जाता है या तो लोगों को बाहर दौड़ाया जाता है। ऐसे में मरीजों को अपनी जाँच के लिए लंबा फीस वहन करना पड़ता है। सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं हैं वो मरीजों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं इस संबंध में मरीज। अंदर से लिखे रहे ना कोरोना जांच ब्लड जांच डॉक्टर नहीं 600 रुपया 600 रुपया अंदर जांच नहीं हो पाउ पर पशुपालन विभाग द्वारा कैंप लाकर दी गई जानकारी। बांस गांव में पशुपालन विभाग द्वारा कैंप लाते कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी दी गई तथा पशुपालकों को जागरूक किया गया कि ऐसा गर्भाधान सेफ है। मेरा नाम डॉक्टर रितेश कुमार गुप्ता है, मैं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश आर्या है जो पशु चिकित्सा अधिकारी है। यहाँ हम लोग पशुपालन विभाग के सभी स्कीमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे विभाग की जो सबसे प्रमुख स्कीम है वो है राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत सभी पशुओं को निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान करने की व्यवस्था है। यहाँ हम पशुपालकों को ये हमने यहाँ लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भी लाए हैं कि हमारे पास जो कैसे सीमन जो है लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर रहता है और कैसे हम इसको सड़कों की हालत खराब, आवागमन में दिक्कत। बांस गांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों की हालत खराब है, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। बताते चले कि विधानसभा का यह मुख्य मार्ग है जहां लोगों को आने जाने के लिए भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसका मेन कारण बाढ़ और बारिश है। बाढ़ और बारिश ने मचाई जो भारी तबाही, जिसके कारण सड़क उखड़ गए हैं।
रास्ते रोडो की दशा क्या है आप यहाँ? हमारे यहाँ रोड की बहुत दयनीय स्थिति है। आने जाने में दिक्कत होती है? आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती है और कई जगह तो दिनों रोड ही टूट चुका है। हर हालत में गिट्टी वगैरह सब कुछ दिखता है। फोर व्हीलर को आने जाने में दिक्कत होती है। दिन भर की बड़ी खबर।